इनको बेवकूफ़ ना समझें या आप ख़ुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना समझा करें, तो आप इनको प्लीज़ मतलब कि आप इनको भी इंसान समझें, आप इनके साथ भी वैसा बिहेव किया करें जिस तरह ये लोग आपके साथ बिहेव करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद चाइना में रहने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना में रहने के एडवांटेजेस कितने हैं और डिसएडवांटेजेस कितने हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इस वीडियो में बताऊंगा एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड होंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस नंबर वन है जी सेफ्टी। सेफ्टी चाइना में बहुत ज़्यादा है, 24/7 आप कहीं आ जा सकते हैं और आपके साथ कोई भी ऐसी मोबाइल स्नैचिंग, रॉबरी या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बशर्ते ये कि आप किसी के साथ पंगा नहीं लेते। आप अगर खुद आप किसी के साथ पंगा नहीं लेंगे तो आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, आपसे कोई भी पंगा नहीं लेगा। नंबर टू है जी चाइनीज़ लैंग्वेज। चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें, क्योंकि जो लोकल चाइनीज़ पीपल है ना, वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। जिनको इंग्लिश आती भी है ना, वो बहुत शाय रहते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाइनीज़ सीखते हैं तो आपकी दोस्तियां भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और दूसरा आपका यूनिवर्सिटी, स्कूल या कहीं भी आप काम करते हैं तो आपका फ़ायदा होगा कि आपके टीचर्स के साथ और अपने कोलीग्स के साथ बैरियर्स नहीं रहेंगे। लेकिन पाकिस्तानी अक्सर, जो मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं नया नया आया था तो यहाँ पे जो मैंटेलिटी है ना पाकिस्तानियों की, यार बच्ची फंसाओ और चाइनीज़ सीखो। बच्ची सिर्फ नहीं फंसानी, आपने और भी मतलब के दोस्त बनाए। आप चाइनीज़ बहुत फ्रेंडली होते हैं चाइनीज़ लोग, तो आप उनके साथ दोस्तियाँ बनाएँ और इस तरह आप चाइनीज़ सीख सकते हैं। नंबर थ्री है जी नॉट सो एक्सपेंसिव। ये स्टूडेंट को मैं आप बताता चलूँ कि अगर आप डॉम में रहते हैं तो डॉम में रहने का ये फ़ायदा है कि आप 1200 से लेकर 1500 यूएन में आप अपना ख़र्चा उठा सकते हैं। में आपकी क्लोथिंग भी होगी, शूज़ भी होगे, और आपका फूड भी हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी नहीं है, अगर आप टीटी कहते हैं टैक्सी को ऑनलाइन, जिसे आप पाकिस्तान में या इंडिया में या ओवरसीज़ जो भी हैं उनको पता होगा कि ऊबर वगैरह इधर जो चाइनीज़ में कहा जाता है वो कहा जाता है टीटी। तो अगर वो आप टैक्सी लेते हैं तो वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बाइक लें। इलेक्ट्रिक बाइक का ये फ़ायदा होगा कि आपका ख़र्चा और कम हो जाएगा, और आप अपना ख़र्चा 1000 से 1200 में भी ला सकते हैं, और 1000 से 1200 में भी मैनेज कर सकते हैं। नंबर फोर है जी गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन में मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं हाईली क्वालिफाइड, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट और बहुत अच्छी स्टडी के लिए आपको मतलब के इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो चलते हैं अभी डिसएडवांटेज की तरफ। नंबर वन डिसएडवांटेज है जी सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस। जो मेरे बहन भाई अभी आने वाले हैं चाइना में, तो उनको मैं बताता चलूँ, आप जैसे ही चाइना में लैंड करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, और ये आप इजीली यूज़ नहीं कर सकते चाइना में। लेकिन एक वे है वीपीएन, आप वीपीएन यूज़ करें, उसका आप ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जो आप मैं बताता चलूँ कि ईयरली सब्सक्रिप्शन जो होती है वो 90 यूएन में होती है, और जो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है वो समझ लें 20 से 25 यूआन के दरमियान होती है। मैंने जो अभी वीपीएन लिया हुआ है वो है 90 यूआन का पर ईयर। नंबर टू है जी फूड। आपको यहाँ पे फूड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पे हलाल फूड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, लाइक नॉट समटाइम, जब आप शुरू में आते हैं तो आपको हलाल फूड ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप आएँ और कुकिंग करें, क्योंकि डॉम में कुकिंग अलाउड नहीं होती, तो उस वजह से अगर आप हो सके तो आप बाहर किसी मुस्लिम रेस्टोरेंट में चले जाएं। स्पेशली मैं आपको लांजो लामियन का कहूँगा, लांजो लामियन ये मुस्लिम्स होते हैं, ये उनके उधर नूडल्स भी मिल जाते हैं, राइस भी मिल जाते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं।
नंबर थ्री है जी लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में आप अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इधर के लोग जैसे तरह मैंने आपको पहले बताया जिन मोस्टली तो इंग्लिश नहीं आती, और जिनको इंग्लिश आती है तो वो भी शायर रहते हैं, वो भी प्रेफर करते हैं कि आप चाइनीज़ सीखो। तो शुरू शुरू में आपको मसला होगा चाइनीज़ सीखने में, चाइनीज़ के साथ बात करने में, गपशप करने में, तो बहुत ज़्यादा ये लैंग्वेज बैरियर फील होता है। तो आपने इधर आके जितना भी हो सके आपने चाइनीज़ सीखनी है। वीडियो के एंड पे मैं अभी आप ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर चाइना आएँ, आप ट्राई करें। इधर के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो आप उनके साथ दोस्तियाँ बनाएँ। आप इधर आके ज़्यादा मतलब कि ना ओपन माइंडेड या ओपन ही ना हो जाया करें कि आप अगले इन चाइनीज़ की रिस्पेक्ट को भूल जाएं। जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है आप उनको यूज़ करें, लाइक इंटेंशनली यूज़ करें कि आप उनके साथ धोखा करें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कैसे कि इंटेंशनली, लाइक पैसे के लिहाज से भी यूज़ करना, फीलिंग्स सबसे ज़्यादा है कि फीलिंग्स के लिहाज से ये यूज़ करते हैं। तो अगर आप अच्छे मुसलमान हैं ना, आप ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहा करें। आप वैसे भी नॉर्मल एक इंसान बन के इधर रहें, इनको बेवकूफ़ ना समझें, या आप ख़ुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना समझा करें। तो आप इनको प्लीज़ मतलब कि आप इनको भी इंसान समझें, आप इनके साथ भी वैसा बिहेव किया करें जिस तरह ये लोग आपके साथ बिहेव करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, या आप कुछ भी हेल्प जानना चाहते हैं, या कुछ भी आप गाइड चाहते हैं, के लिए ये कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इंस्टाग्राम भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।